हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ्स जहाँ अपलोड करता हूँ बेसि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपोर्टेंट डेरिवेशन दैट इज द डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन सो मैक्सवेल इक्वेशंस जो है उसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन उसकी हेल्प से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है जो हमको प्रूफ करना है तो प्रूफ करना है हमको यहाँ पे डेल जे वैक्टर प्लस ये होता है डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो जे जो होता है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं जे को मैं यहाँ पे लिख देता हूं दैट इज द करंट डेंसिटी और रो जो होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और ये जो डॉट में होता है ना इसको हम कहते हैं इसका डाइवर्जेंस ओके ये चीज हमको प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको ऐसी मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में देखना है जो कि यहाँ पे जिसमें क्या होता है जे आता है जिसमें क्या होता है जे यानी कि जे का कंसेप्ट आता है तो वो होती है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन तो जो मैक्सवेल की चारों इक्वेशन uh, है मैं उनको लिखता हूँ एक बार तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो आती है डेल डॉट ई वैक्टर इज इक्वल टू रो बाई एप्सैल नॉट ठीक है एप्सैल भी लिख सकते हैं एप्सैल नॉट भी लिख सकते हैं ठीक है एप्सल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मीडियम के लिए एप्सेल एन सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ बी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो ओके थर्ड इक्वेशन जो होता है दैट इज द कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर ओवर डी और जो फोर्थ इक्वेशन होता है उसका मतलब होता है द कर्ल ऑफ बी वेक्टर दैट इज द म्यू जे वेक्टर प्लस ये होता है म्यू एप्सल नॉट ई वैक्टर ओवर डेल्टी अब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे जे की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब ये प्रूफ करना है तो कौन सी इक्वेशन में जे का कंसेप्ट आ रहा है फोर्थ इक्वेशन में जे का कंसेप्ट आ रहा है तो जनरली जो फोर्थ इक्वेशन है उसी का यूज करके हम इस डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे सो बाय यूजिंग बाय यूजिंग द दैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन सो जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कैसे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का मतलब होता है कर्ल ऑफ बी वेक्टर जब भी क्रॉस में होता है ये डेल्टा तो उसको हम कर्ल कहते हैं कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर ओवर डेल्टी या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं जे डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए जो करंट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला ये होता है इसको हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी और म्यू का अगर मैं डिवाइड करता हूं वी नो दैट बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू एच वैक्टर दैट इज द एच वैक्टर इज दैट इंप्लाइज द एच वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर ओवर म्यू अगर मैं इस म्यू को इसके नीचे लाता हूं दैट इज दैट इंप्लाइज द मैग्नेटाइजेशन ये क्या हो जाएगा एच वैक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जे वैक्टर प्लस D हो जाएगा तो हमने क्या क्या थोड़ा और इसमें करेक्शन कर दिया अब हम इस कर्ल का डाइवर्जेंस लेते हैं ऑन टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन नंबर वन इस इक्वेशन नंबर वन का हम डाइवर्जेंस लेते हैं डाइवर्जेंस लेने का मतलब क्या हो गया कि आप उसके साथ में डेल को क्या करें डॉट प्रोडक्ट में ले लें तो डेल को डॉट प्रोडक्ट मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस हो जाएगा उसके लिए सो तो ये जे वैक्टर प्लस ये हो जाएगा जे डी वैक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो क्या करेंगे सिंप्लीफाई जब इसको करेंगे तो ये जो कभी हमेशा ध्यान रखो कर्ल का डाइवर्जेंस ऑलवेज किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया जीरो के इक्वल हो गया और ये क्या बन गया डेल डॉट जे वैक्टर यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ जे वैक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वैक्टर वो जीरो के इक्वल हो गया अब हम क्या जानते हैं कि जो जे डी होता है इसका मीनिंग क्या होता है देखो जे डी का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया एप्साइलन नॉट ई वैक्टर है ना डेल ई वैक्टर भाई डेल टी हो जाता तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ ओके इसको ऐसे समझते हैं कि जो जे डी होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दैट इज़ द एप्सिलॉन ओके एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ क्या एप्सिलॉन लिखा है यहाँ पे क्योंकि सारा चीज़ आप अगर मीडियम के लिए लिख रहे हैं तो सारी मीडियम के लिए लिखें ओके तो जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन वैक्टर ओवर डी टी हो जाता है अब इसको है ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी बाई डी वैक्टर और डी टी या डेल लिखो तो डेल लिख सकते हैं क्यों एपसेलन और ई वैक्टर जो होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी वैक्टर के इक्वल होता है तो ये क्या हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू के पे पुट करेंगे डी को हम क्या लिख सकते हैं डेल डी वैक्टर बाई डी डेल डी वैक्टर बाई डी टी हो जाएगा और इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू डेल जे वैक्टर अब देखो डेल जे वैक्टर हमको प्रूव करता है वो क्या लाना है रो लाना है सिर्फ हमको ये तो आ गया ना एक टर्म तो हमारे पास में आ गया अब रो को ले आता है तो रो क्या हो जाएगा प्लस इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी डेल डॉट आ जाएगा डेल डी वैक्टर ओवर डेल टी और इसको क्या करेंगे डी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल जे वैक्टर प्लस ये आ जाएगा डी इसको हम अंदर लिख देंगे

फाइंड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि हम कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करते हुए कंटिन्यूटी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं हमको कंसेप्ट किसका चाहिए जे यानी कि करंट डेंसिटी का तो करंट डेंसिटी इज कंटेन ऑन वन इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ सो आई होप आपका पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप वॉचिंग एम एस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स